सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, हम लोग बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब लेते हैं कुछ कुछ काम गलत करते हैं, और जब मोबाइल के बारे में बात आते हैं तो हम ऐसा कुछ गलती कर देते हैं जिसके लिए हमको बाद में बहुत ही दिक्कत में आना पड़ता है, बहुत ही प्रॉब्लम में आना पड़ता है। ऐसा कुछ काम है जो काम आपको नहीं करना चाहिए, अगर आप करोगे तो उसके लिए कुछ सही स्टेप होता है, उस स्टेप को फॉलो करने के बाद करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ आपके मोबाइल फ़ोन को बेचने का। जैसे आप क्या करते हो, फ्लिपकार्ट या अमेजोन में जब आता है एक्सचेंज ऑफर, या किसी जगह पे किसी वेबसाइट में जाके आपके मोबाइल को बेचते हो, या आपके पड़ोसी कोई दोस्त के पास आपके मोबाइल बेचते हो, ऐसा करते हो, बहुत ही गलत काम करते हो, क्योंकि इसके कारण आपको बहुत सी दिक्कत में आना पड़ सकता है कभी भी किसी टाइम भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी हिंदी। तो चलिए जान लेते हैं मोबाइल फ़ोन को बेचने से पहले हमको क्या करना चाहिए, उसके बाद मोबाइल फ़ोन को बेचना चाहिए जिससे हमको कुछ भी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा कुछ ऑफर आता है जिसको देख के हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हमारे जो इस्तेमाल किया हुआ मोबाइल उसको एक्सचेंज कर लेते, या ऐसा बहुत से वेबसाइट है जिसमें हम अच्छे प्राइस अगर मिल गया तो हमारे पुराना फ़ोन को बेच देते हैं और उस पैसे से नया फ़ोन खरीदता है। या कभी भी देखा गया है तो कि हमारा कुछ भी कोई भी दोस्त बोला, हाँ चल तेरे पास फ़ोन है वो तो बेचेगा, मुझको बेच दे और तू एक नया फ़ोन ले ले, ऐसा करके भी हम लोग अच्छे प्राइस जब भी मिल जाता है हम लोग फ़ोन बेच देते, उसके बाद दूसरा फ़ोन खरीद लेते। इसमें एक दिक्कत होता है या एक प्रॉब्लम होता है जो बहुत ही बड़े प्रॉब्लम है, जो आप लोग शायद कभी सुना भी नहीं है या कभी इसके बारे में जानते भी नहीं है। ये है, आपके जब मोबाइल को आप बेचते हो तो क्या करते हो, आपके फ़ोन को रजिस्टर फैक्टर करके किसी दूसरे के पास बेच देते हो। तो इसमें क्या लगते हैं आपको कि रजिस्टर फैक्टर कर दिया या फास्ट बूट कर दिया, मोबाइल पूरा टोटल क्लीन हो गया, मोबाइल में कुछ भी डेटा नहीं रहा, अभी हम इस फ़ोन को बेच सकते हैं। इस फ़ोन को अगर बेचेगा तो कोई भी हमारे डेटा को या किसी भी चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये आपके एक बड़े मिथ है जो आपको मालूम नहीं है कि आप जब भी आपके कुछ मोबाइल को या कुछ डिवाइस को जब क्लीन करते हो, जैसे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क आप क्लीन करते हो या लैपटॉप के हार्ड डिस्क आप क्लीन करते हो, वैसा ही मोबाइल के चिप या मोबाइल की इंटरनल मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी को आप क्लीन करते हो, तब भी उसी जगह पे उसी जो था यानी कि जो जो चीज़ था, आपका पिक्चर हो सकता है, वीडियो हो सकता है, गाना हो सकता है, सब कुछ उसी जगह पे रहता है, मगर दिखाई देता है हाँ टोटल स्पेस खाली है। ऐसा कुछ कुछ सॉफ्टवेयर है जो आप प्ले स्टोर में भी अवेलेबल आपको मिल जाएगा, उससे अगर रिकवरी करोगे आप तो टोटल आपके फ़ोन में जो जो चीज़ है वो आपको रिकवरी करके आ जाएगा। हमारे कोलकाता में ऐसा बहुत से जगह है जिस जगह पे सेकेंड हैंड फ़ोन बेचा जाता है और वो भी अच्छे प्राइस में। अच्छे प्राइस में क्यों, कोई भी चुराया हुआ फ़ोन आपके पास अगर बेच दिया, आप क्या करोगे, उसको रीसेट करोगे, रीसेट करके आप दुकान में बेच दोगे। मगर रीसेट करने के बाद जब वो लोग ये फ़ोन लेता है, अच्छे दाम पे लेता है, तो उस फ़ोन को वो क्या करते हैं, एनालिसिस करके सॉफ्टवेयर डाल के उसके अंदर जो प्रोग्राम पहले था उस प्रोग्राम को टोटली रिकवरी कर लेता है। यानी कि आप अगर देखा जाए उसमें आपके बैंक के डिटेल्स रखे हो, आपके एटीएम कार्ड के डिटेल्स रखे हो, आधार कार्ड के डिटेल्स रखे हो, ऐसा जो भी डिटेल्स रखे हो वो उधर से कलेक्ट कर लेता है। कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, उसको लेकर दो नंबरी काम करते हैं, जो लोग ये सब लेके पैसा उठा लेता है बैंक से उसके पास दे देता है, उससे और भी ज़्यादा मनी अर्निंग करके उसको ये चीज़ दे देता है और उसके पास ये आपके जो तथ्य होता है वो बेच देता है। तो आपका एक्चुअली क्या हुआ, बहुत बड़े लॉस हो गया, क्योंकि आप जब देखोगे हाँ आपके मोबाइल में SMS आ रहा है, आपके बैंक के अकाउंट से पैसा निकल रहा है, एक्चुअली क्यों निकल रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये कारण होता है। ऐसा बहुत से रीज़न देखा गया है कि उसके फ़ोन चोरी होने के बाद उसके बैंक के अकाउंट से पैसा चला जा रहा है, मगर उसको समझ में नहीं आ रहा है क्यों जा रहा है। ऐसा अगर होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसी कारण जब मोबाइल आप कोई भी बेचो तो कुछ कुछ चीज़ आपको जानना चाहिए, क्या करने के बाद आपको मोबाइल बेचना चाहिए। पहले जो स्टेप है, ये स्टेप है, आपके फ़ोन को रजिस्टर फैक्टर कर लो, फास्ट बूट कर लो, कुछ भी कर लो, आपके फ़ोन क्लीन हो जाएगा।
क्लीन होने के बाद आपके जो जो जगह पे कुछ कुछ पिक्चर था, सॉन्ग था, गाना था, ऐसा कुछ था, उसी में आप दूसरा कोई पिक्चर डाल दो, गाना डाल दो, मूवी डाल दो, जो भी है, मतलब जो आपके काम का चीज़ नहीं है ऐसा कुछ डाल के टोटल मेमोरी का भर दो। अगर आप एक बार भर दिया ना तो उसको फिर से रिकवरी वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जब रिकवरी करेगा आपके फ़ोन में रिस्टोर फैक्टर मारने के बाद जो चीज़ आप उसमें अपलोड करोगे वो चीज़ उसको मिलेगा, मगर आपके पहले जो चीज़ था पर्सनल जो भी चीज़ था वो चीज़ उसको नहीं मिलेगा। तो इसी कारण ऐसे तरीके से आप अगर आपके फ़ोन को इस बेचोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। यानी कि आपके जब फ़ोन आप बेचने के लिए जाओगे पहले क्या करोगे, आपके फ़ोन आप पहले रिस्टोर कर लो या आपके फास्ट बूट कर लो, उसके बाद आपके फ़ोन में इंटरनल एक्सटर्नल जो भी मेमोरी है उसमें टोटल आप जो भी डिटेल्स था उसके अगर इरेज करने के लिए आप उसमें पिक्चर मूवी गाना वगैरह जो भी हो सब डाल के पूरा फिलअप कर लो। फिलअप करने के बाद उसको फिर से रिसेट करो, रिसेट करने के बाद फिर से आप डालो, डाल के रिसेट करो, एक या दो बार करने के बाद आपके फ़ोन एकदम सिक्योर हो जाएगा। उससे उसके अंदर से कुछ भी डेटा आपके पर्सनल जो था वो नहीं वो कोई भी निकल पाएगा। तो आप उसके बाद आपके फ़ोन बेच सकते हो जिसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं कभी भी आ सकेगा, दिक्कत कभी भी नहीं आएगा। तो दोस्तों आशा रखता हूँ आपको समझ में आ गया है कैसे आपको एक फ़ोन को बेचना है, किसी भी वेबसाइट में हो या किसी भी लोकल किसी दोस्तों के पास हो या किसी भी जगह में हो, आपको अगर फ़ोन बेचना है तो आपको ये चीज़ फॉलो करके तभी आप बेच सकते हो, तो आप सिक्योर रहोगे। अगर नहीं करोगे तो आपके कभी भी बैंक अकाउंट से या ATM से पैसा निकल गया तो आप उससे कुछ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों आशा रखता हूँ आपको समझ आ गया है कैसे आप एक फ़ोन को यानी कि एक सेकेंड हैंड फ़ोन को आप बेचोगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखो, क्योंकि हम जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।